खाना नहीं है, उठने का नहीं है, चलने के नहीं, ताकत भी नहीं है, बहुत नहीं। इधर भी देखो ये भी रो रहा है, पिछोला भी है। हम लोग क्या करूं बताओ। जैसे हम लोग का खाने पीने का इतना दिकदारी है कि कुछ नहीं कहा जा रहा है। बाहर जाने पर लोकल वाला मारने का धमकी दे रहा है, डरा रहा है। अगर आप 5 हफ्ते पहले उसको जाने की इजाजत दे देते तो कम से कम उसके जेब में चंद रुपए तो होते, कुछ पैसे तो होते। भारत में लॉकडाउन अपने तीसरे चरण में पहुंच चुका है। इस बार लॉकडाउन को 3 जोन्स में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। इन जोन्स के हिसाब से ही लॉकडाउन में ढील लोगों को मिलेगी। जब लॉकडाउन 15 अप्रैल को खुलने वाला था, उससे पहले मजदूरों को उम्मीद थी कि अब हम घर जा सकते हैं, पर लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया था। पहले जब भी लॉकडाउन हुआ, इसकी जानकारी देने पीएम मोदी खुद आए थे, पर अब की बार सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया है। मजदूर लगातार पिछले कुछ दिनों से घर जाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना तो उनके पास पैसा है और ना ही खाना। बहुत तकलीफ में देखो सब, कैसे खाना नहीं है, उठने का नहीं है, चलने के नहीं, ताकत भी नहीं है, बहुत नहीं। इधर भी देखो ये भी रो रहा है, पिछोला भी है। हम लोग क्या करूं बताओ। जज भाई कुछ है तो आप मदद करो, आपसे अल्लाह अच्छा रखे, आपको सलाम करूंगा। हम लोग गाना मंदिर सोलापुर स्टेट में रहता हूँ भाई, घर से बाहर भी संघर्ष करने के लिए बाथरूम वाला भी किचन से 60 डिग्री खींच के लेता है कि रुपये नहीं है हम लोग का पास। प्लांट 22 तारीख को बंद हुआ, उस दिन से हम लोग का खाने पीने का इतना दिकदारी है कि कुछ नहीं कहा जा रहा है। बाहर जाने पर लोकल वाला मारने का धमकी दे रहा है, डरा रहा है, गेट बंद करके रखा है। ये आदमी के देखिए मुंह सूख गया है, खाने का इतना दिक्कत है। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए ना जाए, हम लोग बिहार सरकार और नहीं मिल रहा है। बिहार यहाँ सारी दुकान बंद है, राशन पानी का दुकान पर हम लोग के पास पैसा भी नहीं है कि राशन कहीं से लाके खरीदे। कंपनी वाला के बोलने पर कंपनी वाला कुछ सुन नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। हम लोग बिहार सरकार और भारत सरकार से अनुरोध है, कृपया गुजारिश है कि हम लोग के साथ कोई रास्ता निकाले हम लोग के लिए। दूसरी ओर जिन गरीब मजदूरों को क्वारंटीन में रखा गया है, उन्हें दूर से ही या खाना फेंक कर दिया जा रहा है। गरीब लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में फंसे हैं, वे मजबूर हैं और उनके साथ ऐसा व्यवहार भी गलत है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकारों की बेनती पर केंद्र सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने के आदेश दिए हैं, जिसमें रेलवे के जरिए लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इनमें ट्रेनों के किराए के साथ ही सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपए और अतिरिक्त शुल्क के तौर पर 20 रुपए वसूले जाएंगे। पर जो मजदूर काम काज छीन जाने के बाद भूखे हैं, वो अपना किराया कहां से दे। यहां पे किसी को प्रशासन ने कोई खाने पीने का कोई भी चीज दे नहीं रहे, न प्रशासन तरफ से कोई सहायता मिल रही किसी को। 40 दिन हो गए, सब कुछ बंद है, फैक्ट्री वगैरह, न तनख्वाह मिल रही किसी को, न पैसे मिल रहे, न मोदी जी की तरफ से आ रहा, किसी के पास कोई चीज आ नहीं रहा। बस भी नहीं चला रहे, 1 हफ्ता पहले बता दिए होते तो सब पहले घर चले जाते, 1 हफ्ते पहले ही लॉकडाउन करने से पहले, बीच में लॉकडाउन कर दिया, कोई गाँव नहीं जा पा रहा, कहीं ना आ पा रहा, सब कुछ बंद करके रखा है। न कि जब ट्रेन भी अब चालू करने कह रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, उसका भी किराया ले रहे हैं, अब उसमें भी छूट नहीं दे रहे हैं किराए में किसी को। बस का भी किराया लेंगे, ट्रेन का भी लेंगे, ना किसी खाने पीने कोई चीज़ मिल नहीं रहा किसी को। जितने भी मजदूर हैं सब परेशान हैं, किसी को आज तक कोई सरकार कोई भी खबर नहीं रह रही किसी से, ना कोई मतलब है किसी को। प्रॉब्लम ये सर, हम तो गाड़ी चालक को दो, हम तो घर जाएंगे। गांव को जाने का, गांव जाने का, किधर से आप? जी सर, मैं बिहार से, पटना से। बिहार से? जी सर, बिहार से हूँ। अब पुलिस, एक पुलिस वाला हिर के मार रहा है। द क्विंट की एक न्यूज के मुताबिक भिवंडी से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन इसमें करीब 90 सीटें खाली रहेगी। किसी तरह अपने घर लौटने की आस में स्टेशन पे पहुंचे 100 से ज्यादा मजदूरों को वापस लौटना पड़ा,
क्योंकि इन मजदूरों के पास टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। हाल ही में रेलवे ने 150 करोड़ पीएम केयर रिलीफ फंड में डोनेट किए, जिससे कोरोना संकट से लड़ा जा सके। रेलवे इस पैसे का इस्तेमाल मजदूरों की मदद के लिए कर सकता था। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि एक तरफ तो रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 150 करोड़ रुपए का चंदा दे रहे हैं। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। इसके साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मजदूरों का मुद्दा उठाकर एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे मजदूरों की बात करते हुए सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च उठाएगी। जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाजों से निशुल्क वापस लेकर आ सकते हैं, जब हम गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खजाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और भोजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर तरक्की के इन ध्वज वाहकों को आपदा की इस घड़ी में निशुल्क रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं दे सकते। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रवासी श्रमिकों के ट्रेन किराए की सब्सिडी नहीं देने के लिए केंद्र की निंदा की है। स्वामी ने लिखा है कि भारत सरकार द्वारा भूखे मजदूरों से ट्रेन किराया वसूलना कितनी बेवकूफी है। विदेशों में फंसे भारतीयों को जब एयर इंडिया द्वारा मुफ्त में वापस लाया जा सकता है, तो इन मजदूरों को क्यों नहीं। अगर रेलवे ये बात नहीं मानता तो पीएम केयर्स फंड से इन मजदूरों की टिकटों का भुगतान करना चाहिए। स्वामी ने बाद में एक और ट्वीट करके ये भी बताया कि उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की और स्पष्ट किया कि घर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को अब से कोई पैसा नहीं देना होगा। उन्होंने लिखा, पीयूष गोयल कार्यकाल से बात की, सरकार 85% और राज्य सरकार 15% का भुगतान करेगी, प्रवासी मजदूर मुफ्त में अपने घर जाएंगे। मंत्रालय एक आधिकारिक बयान से इस बात की स्पष्टि भी जल्द ही देगा। इसी के साथ ही इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जो मजदूर घर की ओर जा रहे हैं उन्हें कोरोना वायरस है या नहीं, इस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है अभी तक। इस सब के बारे में अभिसार शर्मा ने अपने शो में बात की और सरकार से कुछ सवाल किए, आइए सुनते हैं। जो भी गरीब अपने घर जाए उसकी सही तरीके से टेस्टिंग हो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च टेस्टिंग किट्स मंगवाता है चाइना से। ICMR फिर राज्यों से कहता है कि इन टेस्टिंग किट्स का आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि इनमें ढेरों दिक्कतें हैं। यानी कि आज की तारीख में जो गांव वाला वापस अपने गांव जा रहा है उसकी उचित टेस्टिंग नहीं हो रही है, उसका सिर्फ आप तापमान देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं और वो गांव जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये आशंका जतलाई थी, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, 10 में से 3 लोग जो गांव वापस जा रहे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। अगर आप 5 हफ्ते पहले उसको जाने की इजाजत दे देते तो कम से कम उसके जेब में चंद रुपए तो होते, कुछ पैसे तो होते। दूसरी ओर मीडिया अभी भी देश में नफरत फैला रहा है। सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ सुरेश चौनके ने ट्वीट करके लिखा कि कोरोना प्रभावित जोन के रंगों को निर्धारित करने पर मुझे सख्त आपत्ति है, जहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव है वह रेड नहीं बल्कि ग्रीन जोन कहा जाए और कोरोना मुक्त क्षेत्रों को ऑरेंज जोन माना जाए। आपको बता दें कि ग्रीन मुसलमानों का रंग माना जाता है और ऑरेंज बीजेपी का कलर माना जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह देश में नफरत फैलाने का काम न्यूज एंकर भी कर रहे हैं। कुछ एंकर अभी भी एक ही धर्म पर निशाना साधे बैठे हैं। न्यूज नेशन के एंकर ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना फैलाने वाले मौलाना साद मरकज के यूट्यूब पर डाले गए वीडियो के जरिए अपने समर्थक से ये कहलवा रहे हैं कि उसे परेशान किया जा रहा है। देश भर में कोरोना फैलाने वाले मौलाना की असली जगह तिहाड़ जेल में है। क्या ये न्यूज एंकर्स टिकट की प्राइस पर सरकार से सवाल नहीं कर सकते? जो मजदूर भूखे हैं, जिनके पास घर जाने के लिए पैसा नहीं है, मीडिया सरकार से इनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं कहता? हम तो अब यही उम्मीद करेंगे कि सरकार अपनी नींद से जागेगी और इन प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our
channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.